होटल विद्यावाटिका बुकिंग ओपन। शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए उपलब्ध। नियर बॉलीवुड टॉकीज, जबलपुर रोड, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। कोतवाली पुलिस ने एक साथी अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथी पुलिस ने इसके पास से जिंदा हथगोला भी बरामद किए हैं। पुलिस को चाकूबाजी के मामले में इस साथी अपराधी की तलाश थी। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली TI सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जटाशंकर तिराहे के पास विक्की और फिर विकास खटीक खड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी कुछ ही दिनों पहले चोरी के एक मामले में सजा काटकर बाहर निकला है। वहीं इसके ऊपर करीब 8 से 10 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसके पास से जिंदा हथगोला भी बरामद किए हैं। आरोपी विकास खटीक ने कुछ ही दिनों पहले प्रदीप अहिरवाल नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद मामला पंजीबद्ध हुआ था और पुलिस इसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। वहीं कोतवाली पुलिस ने इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले के बारे में कोतवाली TI सत्येंद्र सिंह राजपूत ने विस्तार से जानकारी दी। ये एक शातिर अपराधी है, विक्की उर्फ विकास खटीक, जो लगभग 22 साल का है। इसके ऊपर 8-9 अपराध चोरी के पंजीबद्ध हैं। ये अभी 3 दिन पहले चोरी के अपराध में जमानत पे आया था। एक प्रदीप अहिरवार के साथ परसों इसने शराब वराब पी और किसी बात पे दोनों के बहस हो गई थी। उसने एक जो सब्जी काटने वाला चाकू है उससे प्रदीप को मारा गया, जिसको अस्पताल में दिखाया गया और उसके रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया। इसी की तलाश पुलिस परसों से कर रही थी। कल सूचना मिली थी कि जटाशंकर तिराहे पे ये खड़ा हो रहा है और इसको जब पकड़ा गया तो इसकी तलाशी लेने में इसके प्रदर्शन से एक देसी हथगोला भी मिला है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की कार्रवाई करके और इसमें अपराध में जो मारपीट का अपराध था उसमें इसकी अरेस्ट करके और माननीय न्यायालय पेश किया।